मंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर पक्की नली गली बनाने का प्रावधान, लेकिन चिनारी प्रखंड के मल्लीपुर पंचायत के रामगढ़ गांव के दलित बस्ती में नली नहीं बनने से लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां के लोग का पानी तालाब में गिरता है और तालाब में गिराए जाने से गाँव के ग्रामीणों द्वारा हर दिन ओटी कोटी सुनाया जाता है और यहाँ की लगभग 20 परिवारों का जिसकी जनसंख्या लगभग 150 से 200 है उन लोगों को पानी पर डे तालाब में गिराया जाता है। नाला न होने की वजह से ग्रामीणों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आइए उन्हीं के जानते हैं जुबानी। क्या करते हैं आप? मजदूरी करने जाए। गांव का क्या समस्या है? गांव की समस्या है कि हम लोग का नली नहीं बन रहा है। क्या इस समस्या को लेकर किसी अधिकारी से बात किए हैं? अरे बात तो कहले ही बन जाए, मुखिया हमने के बारे में 20 वर्ष ले देखा था, आश्वासन देता रहा कि नहीं हाँ बन जाएगा, हम लोग का पोखरा में पानी जा रहा है। आए अब 20 वर्ष ले जीतल बारन, आए खलियाव तरन देखा तरन जा तरन खाली आश्वासन दे ले बारन। मुरली गौतम अल हम जीत गई नहीं कबो बनेबे ना कैलन। मुरली गौतम कौन है? मुरली गौतम विधायक। उन्होंने आपको क्या बोला? बोला कि बन जाएगा, हम निकल जाएंगे तो हम बना देंगे। तो अभी उन्होंने बनाया? अभी नहीं बनाया, कहाँ बनाया ना, या वही दिन ले अब तो जीत गया तब तो रामगढ़ में दिखाइए नहीं दिया। आपको यह समस्या कितने दिनों से है? अरे 300 वर्ष ले है, जब ले हम लोग का घर बन रहा है तब ले तो ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग। सरकार से आप क्या चाहते हैं? ये नली बनना चाहिए। आप क्या करते हैं? हम जिले ही बनाते हैं, गाँव घूमते हैं और हलवाई काम करते हैं। शादी ब्याह में भी जाते होंगे? शादी ब्याह में जाते हैं। आपके गाँव की क्या समस्याएँ हैं? हमारे गांव का समस्या यही है कि नली नहीं बना आज तक। यह समस्या कितने दिनों से है? एक अब से 5 साल हो गया, 6 साल। इसके लेकर किसी अधिकारी से बात किए हैं? ना, हम तो अधिकारी से बात नहीं किए हैं। इसको लेकर किसी अधिकारी को लिखित आवेदन दिए हैं? नहीं हम। और नली नहीं बनने से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हम लोग अब तालाब में पानी जा रहा है, तालाब में जाने की वजह से ये है कि काला कि गांव घर सब लोग बोलते हैं कि काला कि इसमें पानी, इसमें छठ व्रत होता है, इसमें नहाते धोते हैं हम लोग, इसमें गंदा पानी जा रहा है। अधिकारी आते हैं यहाँ देख करके चले जाते हैं। कौन अधिकारी आते हैं? आते हैं यार, मुखिया आते हैं, सरपंच आते हैं, BDC आते हैं, सब लोग आते हैं। वो लोग देख करके कहते हैं कि काला कि हमारा अभी पैसे फंडे नहीं आया तो हम कहाँ से बनाएंगे। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा नली पहले बने। इस समस्या को लेकर अपने स्तर से कहां तक पहुंचाया है? हम इस समस्या को अपने स्तर से मुखिया जी के पास तक पहुंचाए हैं, मुखिया जी से बोले हैं, मुखिया जी हमको आश्वासन दिए हैं कि बात उन बनेगा, जो पैसा है स्वच्छता पर ज़्यादा खर्च सरकार कर रही है, जैसे पैसा आएगा वैसे इसमें काम लगेगा। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके इसको बनाया जाए ताकि समस्याओं को दूर किया जाए, नली बनाया जाए, क्योंकि नली ना बनने से क्या दिक्कतें हो रही है। खुद मैं भी इस स्थिति से गुजर चुका हूं, क्योंकि मेरा भी नली और चापाकल का पानी तालाब में जाता है, जिसके वजह से हमें भी ओटी कोटी सुनना पड़ता है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि यह वीडियो जल्द से जल्द अधिकारियों तक पहुंच सके और इस पर बदलाव लाया जा सके। मैं जितेंद्र राम, वीडियो वॉलंटियर से इंडिया अनहट के लिए।